सिमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे डायग्राम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो कुछ जैसे प्लेन मिरर में भी हमने रे डायग्राम ड्रॉ करना सीखा था, अभी जो कर्व मिरर वाला केस है इसमें भी रे डायग्राम के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो प्लेन मिरर में एक पॉइंट लिखवाया था मैंने कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फाइंड करना हो तो कम से कम दो लाइट रे की जरूरत होती है। वैसे ही यहां भी या लेंस में भी जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहां भी किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, लोकेट करने के लिए कम से कम दो लाइट रे की जरूरत होती है, एटलीस्ट टू लाइट रेस। आर रिक्वायर्ड टू लोकेट द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें इमेज का लोकेशन फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना होता है और इंटरसेक्शन पॉइंट लोकेट करने के लिए कम से कम दो लाइट के रे की जरूरत होगी। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमेशा फोकस से पास करेगा, क्योंकि हम लोग पैराक्सियल रे के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अब आगे पढ़ेंगे। तो लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट द प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, तो जो मैंने डायग्राम यहां पर दिखाया है बस उसी को हमने यहां पर लिख दिया। इसका इन्वर्स भी ट्रू है, अगर इंसिडेंट लाइट फोकस से पास करता है तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो मैं उसको भी लिख देता हूं साथ में यहीं पर, ये हो गया पहला पॉइंट और ये हो गया दूसरा पॉइंट। लाइट रे इनिशियली पासिंग थ्रू फोकस becomes parallel to principal axis after reflection। ठीक, तो इसका जस्ट इनवर्स है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, और इंसिडेंट लाइट अगर फोकस से पास करता है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे या इंसिडेंट लाइट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ पर रिटर्न हो जाता है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला जो लाइट रे है वो मिरर पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो चूंकि परपेंडिकुलर होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। तो कहते हैं इंसिडेंट लाइट, इफ इंसिडेंट लाइट
passes through center of curvature then it retraces its path after reflection. ये हो गया. एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि अगर कोई लाइट रे पोल पर इंसिडेंट होता है ना, ये पोल है, पोल पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है तो वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होता है. अगर आई एंगल पर आया था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होता है. तो कहते हैं कि लाइट रेस इंसिडेंट एट पोल आर रिफ्लेक्टेड सिमेट्रिकली. ठीक, तो कुल मिलाकर के ये फोर पॉइंट्स हैं. ये फोर पॉइंट्स जो है हमें ध्यान रखना है, और ये फोर पॉइंट्स ध्यान रहेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज लोकेट करने में हमें दिक्कत नहीं होगा. अब हम लोग कुछ पर्टिकुलर केसेस देखेंगे जिसमें कि ये देखेंगे कि जो कर्व मिरर है वो किस तरह से अपने सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है. स्पेशली हम लोग रियल ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. तो अब देखेंगे कि ये हमने एक कर्व मिरर बनाया है, इसमें मान लेते हैं यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर फोकस है और ये पोल हो गया. तो अपना जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पर रखा जा सकता है या फोकस और पोल के बीच में रखा जा सकता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जा सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी रखा जा सकता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में भी रखा जा सकता है. ठीक, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग देखेंगे बाई यूजिंग रे डायग्राम, है ना. तो इसमें से मैं पहले बता रहा हूं ये जो है कॉनकेव मिरर के बारे में. कॉनकेव मिरर हो गया, और इसमें से सबसे पहला केस देखेंगे जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में हो. व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इसका हम लोग रे डायग्राम बनाने वाले हैं. तो ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल. ठीक, तो इसमें कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, इसका रे डायग्राम बनाना है. तो आप देखेंगे कि अगर यहां से मैं एक लाइट रे पैरेलल यहां से ले जाता हूं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रे है वो फोकस से पास करना चाहिए. तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. दूसरा काम ये करा जा सकता है कि यहां से एक लाइट रे पोल पर इंसिडेंट कराया जा सकता है, जैसा कि फोर्थ वाले केस में हमने बताया था यहां पर, है ना. तो अगर यहां से ये पोल पर जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका ध्यान रखना है. तो देखेंगे कि ये लाइट रे यहां से इंसिडेंट हुआ था ऐसे पोल पर और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रहा है, यानी कि इधर जो है डाइवर्ज हो रही लाइट रे. डाइवर्ज होने का मतलब इधर तो कोई मिलेगा नहीं, तो इसको एक्सटेंड करके पीछे की तरफ कहीं मिलाया जा सकता है, है ना. तो मतलब यहां पर मिलती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी. तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया, इस पॉइंट का इमेज यहां बन गया.
अगर हम लोग क्या करेंगे, चूंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो इमेज का कंप्लीट हाइट आ जाता है। ठीक, तो इसमें हमने ये देखा कि जो इमेज है वो एनलार्ज्ड है, इमेज विल बी एनलार्ज्ड, वर्चुअल भी होगा क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है, लाइट इंटरसेक्ट एक्चुअली में नहीं कर रही, हमने इंटरसेक्ट कराया है स्टैंड करके, है ना, और इरेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में इमेज बना है ना, तो इरेक्ट हो गया। और अगर इसका लोकेशन कहें तो कह सकते हैं कि इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर। ठीक, तो एक ये केस हो गया और ऐसे दो तीन केस हम लोग और देखेंगे। अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो इसके लिए अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर रखा हुआ है। ठीक, तो अगर यहां से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा, है ना, ये इस तरह से फोकस से पास करेगा। और फिर इसी तरह से एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं पोल पर, तो पोल पर इंसिडेंट कराएंगे तो ये भी ऐसे ही जाएगा। ठीक, तो इसमें होगा क्या कि ये जो लाइट रे है वो बिल्कुल रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है ये बिल्कुल पैरेलल है। बिल्कुल पैरेलल होने का मतलब ये है कि ये या तो इधर जाकर इन्फिनिटी पर मिलेगा या एक्सटेंड करके उधर इन्फिनिटी पर मिलाया जा सकता है ना, तो इमेज तो फाइनली बनेगा इन्फिनिटी पर, इधर भी मिलाया जा सकता है इसको एक्सटेंड करके और इधर भी मिलाया जा सकता है। तो होता एक्चुअली में ये है कि अगर फोकस के हल्का सा इधर रखेंगे, थोड़ा सा पोल की तरफ रखेंगे तो इमेज जो है वो इस साइड में बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा और वर्चुअल होगा, और थोड़ा सा इधर रखेंगे तो ये इधर वाले इन्फिनिटी पर बनेगा फिर रियल होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो फोकस के इधर भी है और इधर भी है, ऐसे रखा हुआ है ना, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, तो उसका इमेज जो है वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। इधर वाले पार्ट का इमेज जो है उधर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और इधर वाले पार्ट का इमेज इधर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि फोकस पर जब हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, लेकिन वो इन्फिनिटी दोनों हो सकता है, इधर वाला इन्फिनिटी भी हो सकता है और इधर वाला इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, माइनस प्लस दोनों हो सकता है, फिर रियल और वर्चुअल दोनों हो सकता है, एनलार्ज्ड होगा, है ना। तो सर्टेनली एक यही चीज बोल सकते हैं कि इमेज जो है वो बहुत ही बड़ा होगा, ये जाकर के इन्फिनिटी पर कहीं मिलेगा तो बहुत लंबा सा इमेज बनने वाला है, तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। और इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, इधर बनेगा तो इरेक्ट बनेगा और इधर बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, तो इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। ठीक, तो सर्टेनली एक ही चीज बोला जा सकता है कि ये इनलार्ज इमेज होगा, फिर ये भी कहा जा सकता है कि इन्फिनिटी पर बनेगा। कौन सा इन्फिनिटी पर बनेगा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड से रखा हुआ। अगर कोई कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इधर से रखा हुआ है एफ तक, तो उसका जो इमेज है वो इधर बनाया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस से इधर की तरह रखा हुआ है तो उस साइड में इसका इमेज बनेगा। ठीक,
अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इस केस में हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक, तो मैं यहां से एक लाइट रे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराता हूं, है ना। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ऐसे जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। और एक ये करा जा सकता है कि एक लाइट रे जो कि यहां पर पोल पर इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्शन के बाद जो है ऐसे जाएगा और इधर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि जो इमेज है वो सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। ए लार्ज इमेज होगा, बड़ा सा इमेज होगा, है ना। तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड माइनस इन्फिनिटी, इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ठीक, तो ये तीन केसेज हो गए। अब देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए फिर कैसा इमेज बनेगा। तो फोर्थ वाला केस देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा गया है। वैसे तो ये जो रे डायग्राम है या आपने टेंथ में भी बहुत पढ़ा होगा, इसके बारे में बहुत सीखा होगा, फिर भी हमें कोई पॉइंट जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है किसी को आता हो तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना, और जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा यहां से। तो इसलिए मैं ये रे डायग्राम जो है वो बना रहा हूं। अब इसमें जैसे कहा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है यहां पर, ठीक। तो यहां से अगर कोई लाइट रे ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे आएगा। अगर उसी तरह से एक लाइट रे पोल पर इंसिडेंट कराए तो ये जो है रिफ्लेक्शन के बाद यहां से ये एंगल और ये एंगल का ध्यान रखना है डायग्राम ड्रॉ करते टाइम में, है ना, ऐसे कुछ आएगा। तो क्योंकि हम लोग ये स्केल से डायग्राम नहीं बनाते या एंगल मेजर नहीं करते, इसलिए डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर होने का रिस्क रहता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो किस लोकेशन पर बनने वाला है, और वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान रहेगा। तो जैसे ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट और ये यहां पर आकर के ऑलमोस्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया इमेज, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज बना। अगर ये एंगल ये एंगल इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगे, है ना। और ये साइड कॉमन है, यानी साइड का रेशियो भी 1:1 आएगा, यानी ये वाला हाइट और ये वाला हाइट भी इक्वल होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी will have equal size as object, it will be real and inverted। ठीक, अब जो है एक और पॉइंट है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में होगा तो उसका इमेज कहां पर बनेगा।
ये माइनस इन्फिनिटी और सी के बीच, माइनस इन्फिनिटी इधर आता है, ठीक। तो अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया कॉनकेव मिरर और इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट जो है अपना यहां पर है। तो इस ऑब्जेक्ट से इधर माइनस इन्फिनिटी है, यहां से एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट कराएंगे मिरर पर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा। ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाता है, ये फोकस से गया, और वैसे हर बार लाइट रे अभी तक हमने क्या किया है, यहां से पोल पर इंसिडेंट कराया है, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी करा सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगा, है ना, तो ये वापस इसी पर ये जो है रिटर्न हो जाता है, है ना। आप देखेंगे कि मिरर तो वैसे यहां खत्म हो रहा है, कहें कैसे रिटर्न होगा, हमें मानने में क्या जाता है, हम लोग मान सकते हैं कि मिरर यहां तक है ना, मिरर यहां तक है, तो क्या होगा कि जो लाइट रे यहां गया ऐसे, वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक यहां आ रहा है और एक ये भी रिफ्लेक्ट है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इमेज कहलाता है, ये इमेज बनेगा, है ना। तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। तो देखेंगे कि इस बार जो इमेज बना है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है, साइज जो है इसका छोटा होगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखेंगे तो और ये बड़ा होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, है ना। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि इमेज विल बी और विल लाई बिटवीन सी एंड एफ एंड इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो हमें इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे कि फोकस से, जब फोकस के आगे हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज फोकस के उसी साइड में बनता है, और फोकस के इस साइड में रखते हैं तो इमेज फोकस के इसी साइड में बन रहा है ना। जैसे देखें यहां पर फोकस के इधर ऑब्जेक्ट था, इमेज इधर ही बना है, फिर यहां भी फोकस के इधर था, सी जो है फोकस के लेफ्ट साइड में है तो इमेज भी इधर ही बना है, फिर ये वाला पॉइंट भी फोकस के लेफ्ट में था, इसका इमेज भी फोकस के लेफ्ट में बना है ना। और एक केस हमने जो पहला वाला केस पढ़ा था उसमें फोकस के आगे रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज मिरर के पीछे चला गया था, यानी फोकस के राइट साइड में बना था। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि फोकस के जिस साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड में इमेज बनता है। अगर फोकस के राइट साइड में ऑब्जेक्ट है तो राइट साइड में इमेज बनेगा, फोकस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट साइड में उसका इमेज बनेगा, ठीक। तो ये हो गया सारा कॉनकेव मिरर वाला केस। अब एक ऐसा केस देखेंगे जिसमें कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर वाला केस, और कॉन्वेक्स मिरर में खास बात यह है कि कोई भी रियल ऑब्जेक्ट हो, है ना, कोई भी रियल ऑब्जेक्ट हो उसको पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा जा सकता है। ये हो गया इसका पोल और ये हो जाएगा इसका माइनस इन्फिनिटी, इसके फोकस सेंटर और कर्वेचर सारे जो है मिरर के पीछे आ जाते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि पोल और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका जो इमेज है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनना है। मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें आता है, माइनस इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तो इसमें होगा क्या, आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगा, सपोज इसका जो फोकस है वो यहां पर है और सेंटर और कर्वेचर यहां पर है, ठीक। तो ये जो लाइट रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसको रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि हमें फोकस से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। और एक लाइट रे हम लोग यहां से पास करा सकते हैं जो कि पोल पर इंसिडेंट होगा,
और यहाँ से सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करा जाए तो ये देखेंगे कि जा करके यहाँ पर कहीं मिलेगा। तो एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया था वो यहाँ से पास करता हुआ दिखता है, और एक जो पोल पर आया था उसका रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो यहाँ से ही पास करता हुआ दिखता है, यानी इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगा। ये इमेज हो गया और ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज जो कि मिरर के पीछे बन रहा है तो ये वर्चुअल बनेगा और छोटा भी बन रहा है साथ में। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, इट विल बी डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि अभी तक जितने भी रे डायग्राम हमने बनाया है उसमें सब में रियल ऑब्जेक्ट लिया था। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा जो मिरर है उसके रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे हो सकता है।